अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज की रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी बहुत ही यूनिक एंड टेस्टी सिजलर चिकन बूम बूम की। और ये रेसिपी किसी पटाखे से कम नहीं है। आप सब सोच ही रहे होंगे कि इस रेसिपी का ऐसा नाम क्यों है, तो ये मैंने रेस्टोरेंट में खाया था तो सोचा आप सबके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो चलिए इसे मैंने कैसे बनाया तो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर ये 1/2 kg बोनलेस चिकन और इसे मैंने इस तरह से पीस में कट कर लिया है। इसमें मैं ऐड करूंगी ये गार्लिक पेस्ट 1 tablespoon और 1/2 tablespoon इसमें मैं ऐड करूंगी ये जिंजर पेस्ट। इसे मैंने अलग अलग ही ग्राइंड करके रखा हुआ है। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी ये कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 1/2 tablespoon। और 1 teaspoon इसमें मैं ऐड करूंगी ये रेड चिल्ली पाउडर। फिर मैं इसमें 4 tablespoon ऐड करूंगी कॉर्नफ्लोर। और 2 tablespoon इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये मैदा। नमक मैं इसमें ऐड करूंगी ये 1/2 tablespoon। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये रेड फूड कलर थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर दूंगी ताकि इसका जो कलर है वो अच्छा है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1/2 lemon juice ऐड कर दूंगी मैं इसमें और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर पानी की ज़रूरत हो तभी पानी ऐड करें, तो मुझे पानी की ज़रूरत नहीं थी तो मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है, क्योंकि जब मैंने चिकन धोया था तब इसमें पानी थोड़ा सा रह गया था। तो अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसे रख दूंगी 1 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसे सिर्फ 15 मिनट्स के लिए भी रख सकते हैं, तभी भी ये अच्छा ही बनेगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हमें 1 घंटे के लिए रखना है। तो 1 घंटे यहाँ पे हो चुके, अब मैं इसे कर लेती हूँ फ्राई। तो ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म करके रख लिया है और गैस की फ्लेम को हम लो से मीडियम ही रखेंगे। अगर हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे तो ये जो ऊपर के मसाले हैं वो जल जाएंगे और जो अंदर से है ये कच्चा रह जाएगा। तो 1/2 chicken को मैंने ऐड कर दिया है और 1/2 chicken मैं बाद में फ्राई करूंगी। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होने लगा है। तो थोड़ी देर इसे हम और फ्राई कर लेंगे। तो ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया इसका। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो अब हम 2nd batch को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे ये भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो इसे भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है। तो ये है कैबेज जिसे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके बॉईल करूँगी और कुछ मसाले भी ऐड करूँगी साथ में। तो ये है रेड चिली पाउडर
1 pinch और 1 pinch मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये रेड चिली पाउडर। इसमें हमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मैंने टेस्ट के लिए ब्लैक पेपर भी ऐड किया है और चाट मसाला 1/2 teaspoon और थोड़ा सा रेड फूड कलर, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। पानी इसमें मैंने सिर्फ 2 से 3 tablespoon ही ऐड किया है ताकि थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर हो जाए। पूरी तरह से हमें इसे नहीं पकाना है, थोड़ा सा मैंने नमक भी ऐड किया है। और इसमें मैं ऐड करूंगी ये थोड़ा सा रेड चिली सॉस ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा आए, और थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये सोया सॉस। एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुक हो चुका है और पानी भी अच्छे से ड्राई हो चुका है, तो इसे भी मैं एक साइड पे रख दूंगी। तो अब मैं पैन में ऐड करूंगी ये 2 tablespoon ऑयल। इसमें हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। और ये है चॉप किए हुए गार्लिक 1 tablespoon, जिसे खुशबू और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो हमें इसे अच्छे से ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पे ये ब्राउन हो चुका है, तो फिर से मैं इसमें ऐड करूँगी ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/4 teaspoon और 1/4 teaspoon ही ऐड करूँगी ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर। थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये ब्लैक पेपर पाउडर और ये है चाट मसाला। अभी हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। और ये है रेड चिली सॉस 1 tablespoon फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी। पानी हम इसलिए ऐड करेंगे, नहीं तो ये जो मसाले हैं वो जल जाएंगे। और पानी मैंने इसमें 1/2 cup ऐड किया है। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसे सिजलर बना रहे हैं तो पानी की ज़रूरत हमें इसमें ज़्यादा नहीं होती है। और थोड़ा सा मैं इसमें 1/2 tablespoon ऐड कर दूंगी विनीगर और ये सोया सॉस 1/2 tablespoon। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये है बारबेक्यू सॉस 1/2 teaspoon। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और तीखे को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये 1 tablespoon केचप, क्योंकि रेड चिली का पाउडर मैंने ज़्यादा यूज़ किया है तो इन्हेंस करने के लिए हमें इसमें केचप भी ऐड करना है। और ग्रेवी के टेस्ट के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है। तो सारी चीज़ों को मैंने कुक कर लिया अच्छे से 2 मिनट के लिए। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये फ्राई किए हुए चिकन अच्छे से। अभी हम इसे 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है, तो नहीं तो जो ये क्रिस्पी है इसका ये जो ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमें इसको क्रिस्पी ही रखना है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी बनाता है ये। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगी ये ग्रीन ओनियन, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने से ही। तो आप सब भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी। थोड़ा सा मैं इसमें ये सेसमी सीड भी ऐड कर दूंगी। तो अच्छे से मसाले इसमें कोट हो चुके हैं, तो अभी हम इसे कर लेते हैं सिजलिंग। तो ये सिजलर को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगी ये बटर और इसके ऊपर रखूंगी मैं ये चिकन।
तो सारे चिकन को मैंने रख दिया है। इसके ऊपर अब हम ऐड कर देंगे ये कैबेज फ्राई किए हुए। और किस किस के मुंह में पानी आ रहा है आप सब मुझे ज़रूर बताएं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे ये ग्रीन ओनियन से। तो लीजिए रेडी हो गया ये सिज़लर चिकन बूम बूम। तो आप सबको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका फीडबैक आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं और आप सब मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब भी कर दें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।